अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। इस मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज पहुंचे और एसएनसीयू वार्ड के अधिकारियों के साथ उन्होंने यहां निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने ड्यूटी के दौरान मौजूद रहे डॉक्टरों सहित ड्यूटी का जो रोस्टर है वो उन्हें नहीं दिखाया, जिस पर उन्होंने मंत्री ने नाराजगी जताई। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीती रात एसएनसीयू वार्ड में बिजली का जो पैनल है वो खराब हो गया था, जिसके चलते 2 बार लाइट गुल हुई थी, जिसे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार किया है। एसएनसीयू वार्ड के निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों सहित मेडिकल कॉलेज के डीन की आधे घंटे से अधिक बैठक चली। इसमें निर्णय लिया गया कि 48 घंटे के अंदर जो भी दोषी है उस पर कार्यवाही सुनिश्चित हो और ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए अस्पताल प्रबंधन से कहा गया कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। 4 बच्चों की मृत्यु सुबह लगभग 5:30 से 8:30 के बीच में हुई है। 2 बच्चे वेंटिलेटर में थे, 2 बच्चे वार्ड में थे और बहुत नाजुक स्थिति में ये बच्चे रहते हैं। कोई अंडरवेट है, किसी का हार्ट का ट्रबल था, किसी को कंजेनिटल एस्फिक्सिया था, जन्म के समय से ही था। और जो बात आ रही है बिजली के नहीं रहने के कारण ऐसा हुआ। एक ये बात आई है कि जो पैनल था उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। पहले 11 बजे उसको बनाया गया और दोबारा 1 बजे के आसपास उसको फिर से बनाया गया। दूसरा, जितने वेंटिलेटर बेड हैं ये सब में बैकअप फैसिलिटी है। जिस क्षण बिजली जाती है उस क्षण बैकअप चालू हो जाता है और वो अभी भी विद्यमान है। तो बिजली के जाने से वेंटिलेटर के पलंग पे बच्चे को कोई भी असुविधा नहीं हो सकती, तो ये भी एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है और ये है ही व्यवस्था। वेंटिलेटर में बैकअप रहता है, एक वेंटिलेटर बिस्तर वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो उपयोग में भी नहीं है। जहाँ तक जनरेटर की बैकअप का सवाल है, ऑटो चेंज ओवर, इसमें ऑटो स्विच ओवर लगा हुआ है, वो 1 महीने पहले ख़राब हुआ था, ऑर्डर गया है, बन रहा है, अभी मैनुअल पे है। पूछने पे ये बताया गया कि जब बिजली गई तो जो इलेक्ट्रिशियन है इन्होंने जाके मैनुअल उसको चालू किया। 35 KVA का जनरेटर लगा हुआ है ऐसा मुझे बताया गया। तो ये बात सामने आई है कि पैनल जो था उसमें शॉर्ट सर्किट हुई। दूसरा, जिनकी ड्यूटी लगी है वो ड्यूटी पे थे कि नहीं, रात की पाली है, शायद ग्रेड 1 के जो ऑफिसर रहते हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी ड्यूटी नहीं लगती, लेकिन फिर भी राउंड लेने के निर्देश विभाग से दिए हुए हैं और 8-8 घंटे की पाली है। हर पाली में 8 घंटे के अंतर्गत जिन डॉक्टर्स को राउंड लेना चाहिए, आप ड्यूटी पे नहीं हैं लेकिन आपको राउंड लेना है, आपने राउंड लिया कि नहीं लिया ये जाँच होगा और इसकी जवाबदारी तय होगी। मैंने ड्यूटी रोस्टर भी मांगा था, किन्हीं कारणों से ड्यूटी रोस्टर उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन उस विषय में भी जांच होगी कि इतनी देरी क्यों लगी। हम लोग आए और ड्यूटी रोस्टर उपलब्ध नहीं है, क्या बनाया हुआ नहीं था? बनाया हुआ था तो प्रस्तुत क्यों नहीं हुआ, और बना हुआ है तो कौन डॉक्टर्स थे जिनकी जवाबदारी थी, वो मौके पर थे कि नहीं। जीवन बचा पाना एक अलग पहलू है, पहल करना ये हमारा दायित्व है, उस पहल में अगर कमी आई है तो एक्शन होगा। बाबा आप बोल रहे हैं बैकअप नहीं थी, पर यहाँ बताया जा रहा है कि जो बच्चे थे उनके जो गार्जियन माँ थी उनको बुलाकर बच्चों को कंबल में रात को रखाया, उनके कंबलों में कैंगरू वार्मर की एक पद्धति है। ये सामान आप किसी भी अस्पताल में अगर देखेंगे, पहले बच्चे को माँ के शरीर से ही गर्मी मिलती थी, अब हमने वार्मर्स बना लिए हैं, तकनीक बन गई है। और बॉन्डिंग का जो सवाल आता है, स्किन टू स्किन टच जो होता है उसमें बच्चे और माँ के बीच में एक अलग संबंध भी बनते हैं, तो ये रूटीन प्रोसीजर है। मेरी आदत भी नहीं है और मैं किसी बात को छुपाने के कभी पक्ष में भी नहीं रहा, आप लोग भी जानते हैं, कोई भी कमी होती मैं सामने रख देता। एक बच्चा जो नवजात था उसके शरीर का तापमान कम बताया गया, वो कम था, माँ को बुला के वार्मिंग के लिए, बाकी माओं को भी बुला के कि शरीर की गर्मी बच्चे को मिलती रहे। वार्मर क्या करता है? वार्मर वही करता है कि बहुत नाजुक हालत में बच्चा है, माँ के साथ हमने नहीं रखा है, उसको क्रेडल में रखा और उसमें बल्ब जल जाता है, वो कोई कुछ ना कुछ टेम्परेचर उसको तापमान देता रहता है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो बीच बीच में बॉन्डिंग के लिए भी ये सामान्य प्रक्रिया के तहत माँ को शिशु के साथ में कुछ समय के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग भी होती है उससे भी आप लोग भिगे हैं, और शरीर का शरीर से संपर्क बच्चे और माँ का बना रहे, ये नॉर्मल प्रोसीजर है।
अब इससे पहले भी 9 मौतें हो चुकी है, आपको 4 मौतें हुई लगातार हो रही हैं, तो क्या कार्रवाई भी इसमें अभी के मामले में होंगी क्या कुछ? क्या इसमें देखिए दोनों पहलू होते हैं, ये समय नहीं है इस बात को कहने का, लेकिन आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ कि 2-3 साल पहले आप लोग को ध्यान होगा मेरे को दिल्ली से आना पड़ा था, कुछ बच्चों की मृत्यु हुई थी पिछले साल या एक साल पहले, 20 में मेरे ख्याल से हुआ, और उस समय जो बात सामने आई थी छत्तीसगढ़ में रायपुर में और रायपुर के बाद में अंबिकापुर में सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही थी, औसतन 32 मृत्यु महीने में उस समय अंकित आंकी गई थी। कहने की बात है कि अभी कम, अभी 20 से कम है, 18 से कम है, इस महीने में 8 कुछ है, ये विषय नहीं है। हमारा लक्ष्य 0 तक पहुंचने का अगर संभव हो, प्रकृति है, आदमी कुछ कर सकता है कुछ नहीं कर पाता, चाह के भी नहीं कर पाता, लेकिन 0 के नज़दीक हम कितना पहुंच सकते हैं उस लक्ष्य पे हैं। लापरवाही नहीं होनी चाहिए, मृत्यु हो गई, कोशिश करके भी मृत्यु हो गई, हम नहीं बचा पाए एक अलग बात है, लेकिन कहीं कमी हुई, पहल नहीं की गई, पहल करते तो शायद बच जाती जान, ये हमारी जवाबदारी है। डीएमई मेडिकल कॉलेज के पास जांच टीम में वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे, साहब भी यहाँ पर हैं साथ में, सुबह ही में हम लोग की बात हो गई थी, उन्होंने जांच टीम संसद भी कर दी है और साथ में वो आए भी हैं बात की गंभीरता को देखते हुए। पीडियाट्रिशियन एक्सपर्ट जो हमारे हैं मेडिकल कॉलेज रायपुर के, वो भी HOD साथ में आए।